गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अंजू शुक्ला। बच्चों आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। तो मैथ्स में हमें बच्चों आज क्या पढ़ना है, बिग एंड स्मॉल। तो बच्चों इससे पहले हमने पढ़ाया था आपको लाइंस एंड कर्व्स, और सेकेंड चैप्टर आपका है बिग एंड स्मॉल। तो हमें आज बिग और स्मॉल की पहचान करनी है। बिग मीन्स क्या होता है बच्चों, बड़ा। स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा। तो सारे बच्चे स्क्रीन में देखें और अपनी बुक खोलें और इसको ध्यान से पढ़िए। चलिए, आई एम स्मॉल। तो रैट क्या है, आई एम स्मॉल। और लॉयन क्या है, आई एम बिग। तो आप चित्र को देखिए, कौन छोटा है कौन बड़ा है। स्मॉल मीन्स क्या होता है बच्चों, छोटा, और बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। तो चूहा जो है छोटा है, आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ, और आई एम बिग। लॉयन जो है, शेर क्या है, बड़ा है। द लॉयन इज बिग, शेर कैसा है, बड़ा है। द माउस इज स्मॉल, चूहा कैसा है, छोटा है। ठीक है, तो बिग मीन्स बच्चों बड़ा होता है और स्मॉल मीन्स छोटा होता है। टिक द करेक्ट वर्ड, चलिए इसको हम पढ़ते हैं। रवि हैज ए बिग स्मॉल बैट, रवि हैज ए बिग एंड स्मॉल बैट। ठीक है, तो रवि के हाथ में कैसा बैट है। ठीक है, देखिए बच्चों रवि कौन है, रवि फर्स्ट वाला बॉय है। ठीक, तो रवि के हाथ में कैसा बैट है, बिग बैट है। तो आपको यहाँ पर बिग में टिक करना है, रवि हैज ए बिग बैट, रवि के हाथ में बड़ा बैट है, तो आपको बिग में टिक करना है। अनुज हैज ए बिग एंड स्मॉल बैट, अनुज के हाथ में कैसा बैट है, स्मॉल बैट है, तो आपको यहाँ पर स्मॉल में टिक करना है। ठीक है, रवि के हाथ में बिग यानी बड़ा बैट है, और अनुज के हाथ में कैसा बैट है, स्मॉल, छोटा बैट है, तो आपको यहाँ पर स्मॉल में टिक करना है। माई फादर्स हैंड्स आर बिग एंड स्मॉल, पापा के हाथ कैसे होते हैं, मेरे पापा के हाथ कैसे हैं, बिग हैं कि स्मॉल हैं, पापा के हाथ बड़े होते हैं ना, आपको यहाँ पर बिग में टिक करना है। माई हैंड्स आर बिग एंड स्मॉल, और मेरे हाथ कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, तो यहाँ पर हमें स्मॉल में टिक करना है। ठीक, तो ये बच्चों आपको बिग और स्मॉल अच्छे से आपको लर्न करना है और प्रैक्टिस करनी है। इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा मैथ में, और कॉपी में भी बिग स्मॉल आपको लिखना है। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।